हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये डिजाइन। इस डिजाइन से आप कुशन कवर, बेडशीट या कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने के लिए कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है। दो कलर का कपड़ा चाहिए, एक लाइट कलर चाहिए, एक डार्क कलर। दोनों के पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। तो मेजरमेंट में अब देखेंगे कितने हैं। ये पीस है 5 इंच और यहाँ से भी 5 इंच है। 5x5 इंच के दो पीस हैं, ये भी दो पीस हैं 5x5 इंच के। सेम साइज के 4 पीसेज हैं, ये भी दो पीस हैं। मेजरमेंट में है 2.5 इंच, यहाँ से भी 2.5 इंचेस। ये भी सेम साइज के हैं, 2.5 इंचेस के दो पीस हैं। अब सबसे पहले ये पीस रेडी करेंगे। तो ये पीस इस तरह से ऐसे लगा लेंगे। इस तरह लगाए हैं, इसी तरह इनको सिल लेना है। ये पीस इसके साथ सिलेंगे और ये पीस इसके साथ सिलेंगे। दोनों पीसेस सिल दिए हैं। अब इनको इस तरह से खोलेंगे। यहाँ पर प्रेस भी कर सकते हैं, तो इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से रखे हैं। अब इनको इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा के अटैच करना है। ये पीस सिल दिया है, इस तरह से ये बन गया है, एक पीस बना है। इसी तरह के हमें 4 पीस बना लेने हैं। ये 4 पीस बन गए हैं। अब इन पीसेस को रेडी करेंगे। इसके हाफ ट्रायंगल बनाने हैं, तो इन दोनों को इस तरह से रख लेना है और ये दोनों भी इसके ऊपर बराबर से ऐसे रख देंगे। इसके बाद यहाँ से ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर, दोनों को मिला के लाइन लगा देनी है। इसके बाद जितना सिलाई के लिए रखते हैं उतना रख के एक और लाइन लगा देंगे। इस साइड में भी इसी तरह लाइन लगानी है। जिस तरह लाइन लगाई है, जैसे ये साइड की लाइन है, यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। ये पीस भी इसी तरह रेडी करेंगे सिलाई लगा के। सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद सेंटर की जो लाइन है इसे हमें कट कर लेना है। ये भी इसी तरह कट कर लेंगे। 4 पीस बन गए हैं। अब एक पीस है, इसे हमें इस तरह से खुल के यहाँ पर प्रेस कर लेनी है। हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉर्नर्स हैं, ये निकल आते हैं, इनको भी कट कर लेना है। बाकी पीसेस भी इसी तरह रेडी कर लेंगे। ये सेम साइज़ के 4 पीस बन गए हैं। ये पीस बन के रेडी हुआ है 4.5 इंच, यहाँ से भी 4.5 इंच। इसके बाद एक और पीस लेना है इस कलर का, ये इसके बराबर लेना है। 4.5x4.5 इंच का ये पीस ले लेंगे। अब ये सारे पीस हमारे बन गए हैं। अब इनको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले ये पीस लगाना है, इस तरह से ये पीस लगेगा। इसके बाद ये पीस ऐसे लगेगा, दूसरा पीस इस तरह से लगाएंगे, ये पीस ऐसे लगेगा और ये पीस इस तरह से लगेगा। 5 पीस लग गए हैं। इसके बाद ये 4 पीस हैं, इनको लगाना है। तो ये इस तरह से लगेंगे ऐसे, इस कॉर्नर में, दूसरा कॉर्नर में ये ऐसे लगेगा। ये लाइट कलर है, इस तरह से आएंगे। सारे पीसेस इस तरह से लग गए हैं। अब इनको सिलना है। जैसे ये लाइन है, इससे हमें सिलेंगे। इस तरह भी सिल सकते हैं, इस तरह भी सिल सकते हैं। तो ये लाइन सिलेंगे पहले, ये इसके साथ सिल देंगे और ये इसके साथ सिल देंगे। इसी तरह ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन, ऐसे ही सिलनी है। सारे पीसेस सिल दिए हैं। यहाँ पर सारे पीसेस पे प्रेस कर लेनी है अच्छी फिनिशिंग के लिए। इसके बाद हमें यहाँ पर इनको इस पीस के साथ सिल देना है और ये पीस इस पीस के साथ सिल देंगे। सारे पीसेस सिल दिए हैं। अब यहाँ पर प्रेस कर लेनी है, जिससे सारी सिलाइयाँ एकदम अच्छे से बैठ जाएं। इसके बाद जैसे थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमारा आगे पीछे हो जाता है सिलाई करते टाइम, इसको हमें इस तरह से लाइन लगानी है और जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है चारों ओर से, क्योंकि अगला पीस जब जोड़ेंगे तो हमारा ये कॉर्नर से कॉर्नर एकदम बराबर आएंगे। जो भी एक्स्ट्रा है वो कट जाएगा। अब जैसे ये थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा ही होता है, लेकिन ये भी हमारे जब दूसरी बार जोड़ेंगे तो कॉर्नर एकदम बराबर अच्छे से नहीं आती अच्छी फिनिशिंग के साथ। इसी तरह चारों ओर से कट कर लेना है। ये पीस बन के रेडी हो गया है। इतने मेजरमेंट में 12 इंच बना है यहाँ से, और यहाँ से भी 12 इंच है। 12x12 इंच का ये ब्लॉक बना है। इसका हमें कुशन कवर बनाना है। तो इनमें से जैसे ये लाइट कलर ही ले लेंगे, इसकी हमें 2 या
3 इंच की पट्टी दे देनी है चारों ओर, तो ये हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसका कुशन कवर बन जाएगा। अब अगर आपको कुछ और डिज़ाइन बनाना है, जैसे बेडशीट बनानी है या टेबल का कवर बनाना है, इसी तरह के बहुत सारे ब्लॉक्स बना लेने हैं और आगे आगे ज्वाइन करते जाना है। तो यहाँ पर जब ज्वाइन होगा ये अलग से ही एक डिज़ाइन बनता जाएगा, इस तरह से ये हमारा पूरा डिज़ाइन बनता जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन हमारा बन के रेडी है। इस डिज़ाइन से आप कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकती हैं। डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है। जैसे 3 कलर का कपड़ा लेना है हमने, तो ये 3 कलर लिए हैं मैंने। तो सबसे पहले हम ये मेजरमेंट करेंगे। तो ये हमारा है 4.5 इंच, यहाँ से भी 4.5 इंच है। ये दोनों हमारे सेम पीस हैं। और ये रेड कलर का पीस है, ये हमारा 2.5 इंचज है। और यहाँ से हमारा इसके बराबर ही है, ये भी इस तरह ही इसके बराबर है और 2.5 इंच है। यहाँ से दोनों पीस हमारे सेम है। इसके बाद ये 2 पीस लिए हैं मैंने, ये हमारा जैसे वाइट और ब्लैक है और ये हमारा रेड और वाइट है। तो ये पीस है हमारे मेजरमेंट में 2.5 इंचज, यहाँ से भी। तो ये हमारे दोनों सेम है, कटिंग हो गई है। अब इन्हें सिलना है हमें। तो ये पीस इसके साथ ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और ये पीस इसके साथ सिलते हैं। ये दोनों पीस सिल दिए हैं। अब यहाँ पे इस तरह से प्रेस कर लेंगे हम। इसके बाद ये 2 पीस हैं, तो इन्हें हमें यहाँ से सिलना है और ये भी इस तरह सिलेंगे। ये पीसेस भी मैंने सिल दिए हैं इस तरह से, ये दोनों हमारे सिल चुके हैं। अब जैसे ये रेड और वाइट पीस है, ये हमें रेड की साइड इस तरह से ऐसे लगाना है और ये वाइट और रेड है, ये हमें इस तरह से सेट करना है। और यहाँ पे हमें इस तरह रख के यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, ये भी सिल देंगे। ये दोनों पीस मैंने सिल दिए हैं। ये दोनों पीस रेडी हो गए हैं, इस तरह से हमारा बना है। अब जैसे ये हमारा इस तरह बना है, ये वाइट ऐसे आया है, तो इस साइड में हमें ये रेड कलर का कपड़ा लगाना है। तो ये इसके बराबर लगेगा और इस तरह रख के हम सिलाई लगा देंगे। और ये साइड है हमारी, जैसे ये वाइट वाली है, ये हमारा ब्लैक लगेगा इसमें। ये दोनों पे हमें सिलाई लगा देनी है। ये दोनों पीस हमारे रेडी हो गए हैं। तो अगर हमारा जैसे साइडों में थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है, सिलते टाइम हो जाता है, उसे हमें कट कर लेना है चारों ओर से। अब ये 2 पीस रेडी हो गए हैं। तो जैसे इस कलर के हमें जैसे 2 पीस रेडी करने हैं, तो ये 2 हो गए हमारे, और ये भी हमारे 2 हैं, तो 2 रेडी करने हैं, 2-2 हमें। ये 2 पीस हो गए हमारे और ये 2 पीस हो गए, 4 पीस रेडी हो गए हैं। अब इनको हमें अरेंज करना है। जैसे ये पीस हमारा इस तरह से आएगा, ये ब्लैक है, इस तरह से रेड है हमारा, तो ये हम इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद हमें ये जैसे रेड है यहाँ पे, तो ये हमारा इस तरह से ऐसे आएगा। इसके बाद जैसे ये रेड है हमारा, तो ये रेड में ऐसे है और ब्लैक इस तरह से है, तो ये हमारा इस तरह से ब्लैक आ गया और ये रेड का ऐसे बन गया। और ये लास्ट पीस है, जैसे ब्लैक हमारा इस तरह से है और रेड हमारा ऐसे आएगा, तो ये 4 पीस इस तरह से हमारे जुड़ गए हैं। अब ये 4 पीस जुड़ने के बाद ये सेंटर में हमारा ये खाली रह गया है, तो ये मैंने 2.5 इंचज का ये पीस काटा है। यहाँ से भी हमारा 2.5 इंचज है, इसे हमें यहाँ पे ऐसे सेट करना है। ये पीस हमारे इस तरह से अरेंज हो गए हैं। अब इनको हमें सिलना है। तो जैसे ये 2 पीस है हमारे, ये छोटा पीस है, इसके साथ हमें सिलना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कैसे हम सिलेंगे। जैसे 1.5 इंच हमें यहाँ से छोड़ लेना है और बाकी हमें सिलाई लगा देनी है, इसके साथ इसे जोड़ना है। जैसे ये मैंने लाइन लगाई है, यहाँ से सिलाई लगानी है, इतने पे हमें सिलाई नहीं लगानी, तो यहाँ पे इतनी सिलाई लगाएंगे। ये सिल दिया मैंने इसके साथ। अब जैसे ये पीस है, इसको हमें इसके साथ सिलना है, तो यहाँ से पूरी सिलाई लगानी है। ये सिलाई मैंने लगा दी है यहाँ पर। अब जैसे ये पीस इसके साथ जुड़ेगा, तो इसको हमें इस तरह से यहाँ से रख के सिलाई लगा देनी है। ये भी मैंने सिल दिया है यहाँ पर। अब ये पीस हम इसके साथ सिलेंगे, तो यहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई है, ये पीस ये इस तरह से रख के ऐसे दोनों को यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई भी लग गई है। इसके बाद हमारी ये सिलाई रही है,
तो इसे हमें इस तरह से करना है, जैसे ये यहाँ से मैंने सिला नहीं था, तो अब ये सिलाई हमारी यहाँ से यहाँ तक आएगी। अब देखिए ये पीस हमारा इस तरह से बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमें प्रेस कर लेनी है, मैंने प्रेस कर दी है यहाँ पे। तो ये हमारा इस तरह से पूरी सिलाइयाँ एकदम अच्छे से बैठ जाती है। अगर साइडों में कपड़ा है उसे भी हमें बराबर कर लेना है कट करके। ये इतना जो हमारा बना है डिज़ाइन, तो इस मेजरमेंट में ये हमारा 14 इंच बना है, 14 इंचेस। इस साइड से भी हमारा ये 14 इंचेस है, 14 बाय 14 इंचेस का ये ब्लॉक रेडी हुआ है। तो ये हमारा जैसे 13 बाय 13 का कुशन कवर बन जाएगा। अगर बड़ा बनाना है तो थोड़ा साइडों में पट्टियाँ लगा देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस डिज़ाइन से आप कुशन कवर, पिल्लो कवर, बेडशीट या कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। जैसे बेडशीट बनानी है तो इस तरह के ब्लॉक बना के आगे जैसे वाइट की पट्टी दे देंगे, उस तरह आगे आगे ज्वाइंट करते जाएंगे ब्लॉक्स, तो ये बहुत ही सुंदर हमारी बेडशीट बन के रेडी हो जाएगी। फिर हमारा ये डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। डिज़ाइन आपको कैसा लगा? डिज़ाइन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।